श्री रंगपट्टनम, मैसूर जिला, कर्नाटक राज्य। साक्षात श्री रंगपट्टनम गुरु का प्रदेश है। किसी समय यहाँ पर टीपू सुल्तान का एक छत्र राज चलता था। राज गया, राजा भी गया। यहाँ की हुकूमत आज पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस जनता के राज की कल्पना की गई थी, उसकी जगह आज यहाँ जंगल राज चल रहा है। हरि भाई और केसु भाई का राज चल रहा है। हर राज्य की तरह यहाँ भी पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, कानून है, लेकिन इन सबसे ऊपर है हरि भाई और केशु भाई का चलने वाला पैरेलल कानून, जो जुल्म और भय पर टिका हुआ है। रुक जाओ। सीईओ साहब, हद में रहोगे तो नोटों से खेलोगे, उसे पार करके हमारे हद तक पहुंचोगे तो जान गवाओगे। मेरा चैनल पैसों के लिए बिकाऊ नहीं है, ये जनता के इंसाफ के लिए है। ये टेलीकास्ट जरूर होगा। तुम्हारे टेलीकास्ट को मैं जड़ से उखाड़ सकता हूँ। इंसाफ और धर्म को मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्या है ना चैनल वाले, धर्म के पीछे भागने वाले बेवकूफ होते हैं, इंसाफ के पीछे भागने वाले कहीं के नहीं रह जाते। इस बात का इतिहास गवाह है। उसी तरह जाति और धर्म की बातों को लेकर उछलने वाले लोग टाइम वेस्ट करते हैं, ये भी इतिहास में लिखा है। कहते हैं कि बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास होता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का इलाज सिर्फ हरि भाई के पास है। इतिहास इस बात का भी गवाह है भतीजे। देरी किस बात की, शुरू हो जाओ। छोटू कहाँ है? ये कैसा जुल्म है, ये कैसा पाप है, एक आदमी पर इतनों का हमला। ऐसा सीन तो मैं अक्सर फिल्मों में देखता रहता हूँ भाई। ए कॉकरोच, चुपचाप यहाँ से निकल ले, वरना जान से जाएगा। उस तक पहुँचने से पहले तुम लोग इस दुनिया से चले जाओगे। ओए, तेरे जिस्म में 10 किलो मांस नहीं है और तू हमें धमका रहा है? हम उसे मारेंगे और मार कर यहीं पर दफनाएंगे। जो भौंकता है वो काटता नहीं, जो काटता है वो भौंकता नहीं, जो अकेला निकलता है उसे असली मर्द कहते हैं। जो कराटे में ब्लैक बेल्ट हो वो किसी से नहीं डरता। 10 मिलकर एक को मारे तो मर्दानगी नहीं होती, 10 पर एक भारी पड़ने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस मेरे पास है। जो तलवार से खेलता है उसे तो इस मामूली हथियार से डरा रहा है, इससे मेरा कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है और उसके बाद मैं सामने वाले की ये हालत करता हूँ। बरसों से मेरी इच्छा थी कि मैं इस मंदिर में दर्शन के लिए आऊं। तुम्हारे पापा का ट्रांसफर हुआ तब जाकर ये मौका मिला है। सच्चे भक्तों की भक्ति कभी खाली नहीं जाती दादी माँ। वो मरता है तो मरने दे, चल जाए यहाँ से, चल।
हे भगवान, इस शैतान को तो मार क्यों नहीं देता? क्यों हमें तड़पाने के लिए इसे जिंदा छोड़ा है? ये कथा जल काशी से अभिषेक के लिए लाया गया था। ये लो। आराम से। वो इस वक्त घायल अवस्था में रंगनाथन टेम्पल के पास पड़ा हुआ है। आप जल्दी से यहाँ आकर उसे हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। तेरी तबीयत कैसी है छोटू? और ये खून कैसे लगा? मेरे छोटू पर हाथ उठाने वाले सबको एक लड़के ने वहां आकर उन लोगों से मेरी जान बचा ली और उस लड़की ने पानी पिलाकर मुझे नया जीवन दिया। मुझे वो लड़की चाहिए। डिस्चार्ज होने के बाद 2 दिनों के लिए उस लड़की के साथ ऐश करना। मुझे उस लड़की से शादी करनी है। दिल का दौरा पड़े तो इसका इलाज हो सकता है, या फिर दिल का रोग लग जाए तो कुछ दिन जीवन जीकर उसे शांत किया जा सकता है। पर जिंदगी में एक के होते हुए दूसरे को हड्डी बनाकर कोई लटकाता है? ये तो बता, अपनी धर्म पत्नी को क्या जवाब देगा तू? अब मेरी शादी का नया इतिहास रचेगा ना। छोटू के पसंद की लड़की जहाँ कहीं हो उसे ढूंढ निकालो और उसे छोटू से मिलवाओ। उस लड़की को कहाँ से ढूंढे? हमारे पास एड्रेस ही नहीं है उसका। भाई वो इस शहर के पुलिस कमिश्नर की बेटी है भाई। किसी की भी हो तो क्या हुआ, उसे पसंद किया है हरी भाई के छोटू ने। वो वक्त तुम्हारे लिए इतना बुरा था और उस वक्त उस लड़की का तुम्हारे पास आना और तुम्हें बचाना वाकई इतिहास का ही कमाल है। सूरज हर दिन तय समय पे है निकलता, कठपुतली के जैसा ईश्वर हमें नचाता। आग पानी है जवानी, दरिया ये है एक तूफानी, उसकी रवानी करती है ये तो मनमानी। सही गलत ये कुछ ना समझे।
सॉरी मैडम। देखो सब लोग सिग्नल तोड़कर जा रहे हैं पर ये अकेले यहाँ खड़े हैं। मैं जल्दी से इनकी एक स्नैप ले लेती हूँ। गिनीज बुक में डालेंगे क्या मैडम? नहीं फेसबुक पर डालूंगी। सर आपको कमिश्नर की ड्यूटी में देखकर इस शहर वाले गर्व कर रहे हैं सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू गोविंद स्वामी। सर आपसे मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट। या टेल मी। मैंने कुछ दिन पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया है सर। इस काम में कुछ लोगों ने मेरी मदद की है सर, उनका ख्याल रखिएगा। सर सर आपसे मिलने हरी भाई आए हैं। हरी भाई? या नहीं बोलो ऑफिस में आकर मिले। ओके सर। हरी भाई इस शहर के लिकर किंग है सर, उनके यहाँ आने का मतलब है खतरे की घंटी सर। नमस्कार कमिश्नर साहब, हमारे गोविंद प्रसाद जी ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है मेरी, अब ये उनका बड़प्पन है। बैठो भतीजे। लगता है तुम गलत जगह पे आ गए हो। ये सब क्या है? मैं हूँ रंगा स्वामी, ये मेरा भतीजा हरी भाई। इसका एक छोटा भाई है जो स्मार्ट और खूबसूरत है, उसका नाम है केसू भाई। बचपन में खेलने के लिए उसे बैट थमा दी और जब बड़ा हो गया तो उसे गन थमा दी। और उसी के दिल को आपकी बेटी ने चुरा लिया है, अब इनकी शादी करनी पड़ेगी। एक गुंडे के घर से रिश्ता जोड़ू ऐसा कोई मैं डरपोक या सड़क छाप इंसान नहीं हूं। पुलिस वाला हूं। पुलिस हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जब जान पर बनाती है ना तो पैंट गीली हो जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है। एक बार जरा दोनों को मिलने तो दो, मेरा दावा है मोम की तरह पिघल जाएगी आपकी बेटी। हाउ डेयर यू। जुबान पे लगाम लगा वरना मैं तुझे शूट कर दूंगा। ए कमिश्नर पिस्तौल क्या दिखा रहा है, हमारे पास भी है, आकर देख लेना, बहुत सारे पड़े हैं, इसे अंदर रख ले चल। गुंडागिरी में सिखाया जाने वाला पहला सबक है धैर्य रखना, इतिहास इस बात का गवाह है। ए कमिश्नर अगर ये शादी नहीं हुई तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, तुम लोग आराम से पेट भर खाना खाओगे, रात में सुकून से सोओगे भी, सिर दुखने लगा तो टेबलेट भी खाओगे। हम भी तुम्हारी तरह हैं लेकिन थोड़ा सा अलग है, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है हम में। मान जाओगे तो खुशियां मिलेंगी, नहीं मानोगे तो जान से जाओगे। ए, तुझे जो भी कहना है ऑफिस में आकर कहना, घर में मैं डिस्कस नहीं करता। तुम लोगों की ये पहली गलती है इसलिए इस बार माफ कर देता हूँ। आउट। जरूर जाएंगे भाई, क्या सोच रहे हो सब लेकर जाएंगे? एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो, शादी के लिए हाँ किया तो पहले शादी होगी उसके बाद सुहागरात, और ना किया तो समझ लो पहले सुहागरात फिर शादी। इतिहास इसका गवाह है। मेरे छोटे भाई के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद उसकी शादी करवानी है, सिर्फ इतना ही वक्त है तुम्हारे पास, अच्छी तरह से सोच लो, जा रहे हैं हम। भाई आपकी बहू रानी। अरे ओ बहू रानी, जी भर के शॉपिंग कर लो, शादी में अब ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ भाई चलो सब। सुन छोटू मेरी पसंद तो बहुत अच्छी है, इसके साथ घर बसाने के लिए पहली वाली को रास्ते से हटाकर सही किया, बाजी हमारे हाथ है, मैच फिक्स्ड, बी हैप्पी। डैडी व्हाट्स ऑल दिस? जिसे तूने गंगा जल पिलाया था वो अब तुझसे शादी करना चाहता है, अब तो ही निपट। मम्मा ये सब क्या है? तीन तरह की ताकत, पुलिस पावर पिस्टल्स, रखने वाले एक कमिश्नर की बेटी से शादी करने के लिए एक रावड़ी रिश्ता लेकर आया है, और तुम्हारे डियरेस्ट डैड गांधी जी का प्रवचन दे रहे हैं। मैडम साहब ने अभी तक जो किया वो बिल्कुल सही है, मेरी बच्ची चलती गाड़ी के सामने अचानक आ गई, इस छोटे से कारण के लिए बीच रोड में उसे काट कर फेंक दिया था इन लोगों ने। वर्दी पहनकर मौत से लड़ने वाले हम जैसे लोगों को पैसों से और अपनी ताकत के बल पर भिखारी की तरह अपने दरवाजे का कुत्ता बनाकर रखते हैं लोग, ऐसे खतरनाक है ये सब। बुराई को खत्म करने के लिए अवतरित हुए राम को भी रावण को खत्म करने के लिए समय लगा था। मैं डरपोक नहीं हूं, बस इंतजार। आज अपने हालात भी वैसे ही हैं। तुम चिंता मत करो, ये मुसीबत जल्दी ही खत्म हो जाएगी।
मैसूर की लड़कियां तो बड़ी तेज तर्रार होती हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में है ना, वही ट्रेंड यहाँ भी है। जब पूरी दुनिया बदल रही है तो फिर इंडिया भी पीछे रहेगा। कदम से कदम मिलाकर चलो। लगता है वो आ गई। हे कृष्णा परमेश्वर गोविंदा, गोपाला गोपाला, तेरी लीला तो बड़ी अद्भुत है। You are the Lord of Lords। रुक, ये लड़की केशु भाई की होने वाली पत्नी है। हा? अगर उसे पता चल गया ना तो मैसूर पैलेस के बीचों बीच तेरी समाधि बनेगी। उसके चक्कर में पड़ा तो जान को खतरा हो जाएगा। बेकार में केशु भाई से पंगा मत ले यार। एक पैग लगा ले, सारी फीलिंग्स ठंडी हो जाएंगी। चल वैष्णवी, वो वही डिजाइन है ना जो तुम्हें पसंद है? अंकल संभल कर। ए बुड्ढे, केशु भाई की होने वाली दीदी से तूने टच किया? तेरी इतनी हिम्मत, गलती से इनका हाथ लग गया होगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ए, लगता है इस बूढ़े की परमानेंट टिकट कट गई। ए, क्यों इनकी जान ले ली बताओ? यहाँ से चल। सुंदर है यार, तू नहीं जानता कितना बड़ा रिस्क लेने जा रहा है तू। इसके चक्कर में जान गंवा देगा। 5 रुपए में फेयर एंड लवली का पाउच आता है। किस्मत में लिखी हो तो ऐश्वर्या भी मिल जाएगी, लेकिन रिस्क भी तो कोई चीज है यारो, और उसको तो रिस्क लेके ही पा सकते हैं। वैसे दोस्तों, क्रिकेट तो खिलाड़ियों को ही खेलना चाहिए, छोटे बच्चों का तो वो काम है नहीं। लेकिन मैं खेल के सारे पैंतरे जानता हूँ। मैं अकेला ही बॉलर, फील्डर, बैट्समैन, यहाँ तक कि अंपायर भी मैं खुद ही हूँ। लव स्टोरी में जितना रिस्क होता है, लाइफ उतनी ही रोमांटिक होती है। कैश के लेन देन में अप्स एंड डाउन्स हो तो 1-2 साल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन रिस्क उठाकर प्यार करो तो पूरी लाइफ रिस्क ही रिस्क रहता है। आई लव इट। जहाँ भी जाओ बस यही टॉपिक है। ऐसे इडियट के साथ एंगेजमेंट क्यों वैशु? ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ यार। तो फिर तू रिजेक्ट क्यों नहीं कर देती? वो ऑप्शन मेरे पास नहीं है। हर लड़की को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक है। फिर तो इस गुंडे से शादी क्यों कर रही है? तेरे फादर तो कमिश्नर है, फिर भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। मुझे तो ये सजाए मौत की सजा लग रही है। तुझे मरना है तो मर। कभी कभी मजबूरी में समझौता करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमें झुकना पड़ा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है। मेरे डैड भी ये जानते हैं। मुझे इस बात से ना कोई टेंशन है और ना कोई डर है। I'm safe। ये मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है। ऐसा कर, किसी के साथ प्यार करके उसके साथ भाग जा। ऐसा कोई जाबाज लड़का मिल गया तो मैं उसके साथ उड़ ही जाऊंगी। कोई मुझे छू भी ले, ये उसे सहन नहीं होता। और ऐसी सिचुएशन में अगर मैं किसी से प्यार करूंगी तो वो शरीर और दिमाग से कमजोर नहीं, ताकतवर होगा। सोल्जर्स, फ्लैश न्यूज। कॉलेज में हॉलीडेज है क्या? आज हमारे कॉलेज में एक लड़के को एडमिशन मिला है। लड़का 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 एक लड़के का एडमिशन हुआ है। एक लड़के का लेडीज कॉलेज में एक मर्द को पैसों के लालच में एडमिशन दे दिया गया है। मेरे होते हुए इस कॉलेज में मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप भी तो एक मर्द है ना सर। क्या मतलब? 40 वर्ष के एक मर्द में और 20 साल के मर्द में फर्क नहीं होता है क्या? क्या हम दोनों एक समान हैं? मेरी देखने की उम्र है और उसकी करने की उम्र है। तुम लोगों को मजाक लग रहा है ये? और यहाँ मेरा खून जल रहा है। खूबसूरत चीज में आकर्षित करने का गुण होता है और मर्द में परिश्रम करने का। अगर तुम्हें नेचुरल तरीके से समझाऊं और वो अपनी नेचुरल हरकत करेगा तो लाइफ का होगा क्या? और इस कॉलेज का भविष्य क्या होगा? तुम लोग क्या करोगे? मैडम तुम बताओ, तुम क्या करोगी? मैं होती तो उसे पटाकर मैटरनिटी लीव ले लेती। सर रहने दीजिए ना सर, लाइफ में बॉयज के बिना बहुत बोर होता है सर। बॉयज के बिना बोर हो रहे हो? एक पौधे को कैसे सींचते हैं कुछ पता भी है? पहले पानी और फिर खाद दी जाती है, और अगर अपनी बोरियत दूर करने के लिए बॉयज का सहारा लिया तो पता है क्या होगा? तुम लोगों को पेरेंट्स कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, ऐश करने के लिए नहीं। यहाँ परिवार नहीं बनाना तुम्हें। उसका एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस के आगे धरना दे रहा होगा। कम ऑन। ये आप अपने कान में क्या लगा रहे हैं सर? शोर से बचने के लिए। यू आर सुपर्ब सर। आई एम ऑलवेज सुपर मैडम। ये नहीं मानेंगे। प्रिंसिपल जाओ जाओ।
प्रिंसिपल डाउन डाउन 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 प्रिंसिपल बाहर निकलो बाहर निकलो। आप लोग ऐसे क्यों चला रहे हैं सर? हमारी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से है, कॉलेज के पियून से नहीं। पियून हो तो मेरी इज्जत नहीं है क्या सर? कॉलेज का कोई भी पेपर हमारे बगैर इधर का उधर नहीं हो सकता। हमें तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। प्रिंसिपल को बाहर बुलाओ, बाहर बुलाओ। प्रिंसिपल को बाहर बुलाओ, प्रिंसिपल को बाहर बुलाओ, प्रिंसिपल को बाहर बुलाओ। What happened? एक मिस की कॉलेज में एक मिस्टर को सीट कैसे दे दी सिस्टर? आखिर किया कैसे ये? इस तरह कानून को अपने हाथ में लेकर तोड़ोगे तो मेरे साथ मेरे पीछे खड़ी विद्यार्थी संगठन यहाँ से पार्लियामेंट तक पद यात्रा करते हुए विरोध करेगी। आपकी पहुँच इतनी ऊपर तक है? पूरा का पूरा कॉलेज इस वक्त मेरे साथ है सिस्टर। जरूरत पड़ी तो सिटी कॉलेज और उसके बाद सारे के सारे स्टेट कॉलेजेस। हाँ, लेकिन कहाँ है? मेरे पीछे देखिए। मेरी खड़े खड़े बैंड बजा गई। सॉरी सिस्टर, सारी लड़कियों ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो मेरा साथ देंगी सिस्टर, लेकिन वक्त आने पर सब दुम दबा के भाग गई सिस्टर। लुक मिस्टर जेडी सीनू, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार हर एक विमेंस कॉलेज में 4% सीट बॉयज के लिए अलॉट होती है और हमें भी वो फॉलो करने होंगे। हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर से स्पेशल ऑर्डर आया है और इसमें अगर आपको कोई भी एतराज हो तो आप मिनिस्टर से जाकर पर्सनली बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल मैडम, मुझे क्या जरूरत है कि मैं कोई खतरा मोल लूं? मुझे तो अपने लेक्चर्स पढ़ाने चाहिए, ना कि यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए। सॉरी मैडम। डियर गर्ल्स, अभी अभी जिस लड़के ने ज्वाइन किया है, हाँ, क्या? वो कल तक सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में था, पर आज वो मेरे फोन में भी है। साइलेंस प्लीज, सबको भेजूंगी मैं। मेल पे भेजने के 300, व्हाट्सएप पे भेजने के 600। कम ऑन, कैश दो और ले जाओ। व्हाट्स हैपनिंग? दिखने में तो चॉकलेट बॉय जैसा लग रहा है, लेकिन इसने हमारा कॉलेज ज्वाइन किया है, इसका मतलब या तो ये कोई टेढ़ी चाल चलने आया है या फिर ये हम लड़कियों के जाल में फंसने वाला है। कॉलेज की गर्ल्स स्टूडेंट्स अगर मेकअप करके आए वो तो समझ में आता है, लेकिन जरा इन्हें देखो, उम्र पक चुकी है और वो इनके बेटे समान है, लेकिन नखरे तो देखो जरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, जवानी का सावन आकर चला गया, अब सजने धजने का क्या मतलब है मैडम? भूल कैसे गई कि आप कॉलेज के लेक्चरर हैं? हाय सर। अब जरा इन्हें देखो, शरीर के कपड़े घट गए, अब तू ही बता ऊपर वाले इन्हें कैसे संभाले। शी, इनका दिमाग खराब हो गया। वाओ, ग्लैमर का गॉडफादर लग रहा है। आउटफिट भी बहुत अच्छा है। लगता है एक नया इतिहास लिखने आया है हमारे कॉलेज में। चलो। जितना अच्छा फोटो में लग रहा था, सामने से तो उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बोली? नथिंग यार, चल चल के उसे वेलकम करते हैं। कृष्णा, गर्ल्स का ग्रुप इस तरफ आ रहा है, कहीं गैंग अटैक तो नहीं है? जब तुम्हारा नाम ही कार्तिक कृष्णा है तो तुम डरते क्यों हो ब्रदर? दूर से डायलॉग मारना आसान है, जो नजदीक होता है उसे ही पता है। सैकड़ों की खुशी के लिए अपनी जान से खेलने वाला एक वीर मुझे नहीं पहचान पाया, ये अच्छी बात नहीं है। Now what should I do, कृष्णा? कॉन्फिडेंस बनाए रखो, फ्यूचर में आगे बढ़ोगे। इट्स माय वर्ड। थैंक्स लॉर्ड कृष्णा, आई लव यू। हेलो गर्ल्स, आई एम कार्तिक कृष्णा। हाय कार्तिक, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वुमेन। माय प्लेजर। सुबह पे शहद और हाथ में बुके, फर्स्ट एंट्री में ही क्या इम्प्रेशन छोड़ा है। संसार में गॉड की बनाई हुई सारी अद्भुत चीजों में द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन है लड़कियां। थैंक यू। तुम्हारी हाइट? 6 feet। वेट? 76। फेवरेट कलर? ब्लैक। लड़कियां अगर खूबसूरत हो तो एक्स्ट्रा। फेवरेट फील? फैशन। माया बाजार फिल्म के फैशन डिजाइनर कौन है पता है? लॉर्ड कृष्णा।
गर्लफ्रेंड है क्या? गर्ल्स नहीं, फ्रेंड्स हैं। लव? नॉट एनी। कभी कोई अच्छी लड़की मिली? नो। नहीं तो? नहीं मिली तो मौत के वर्ड को लॉक कर दूंगा। नाइस इंटरव्यू, यू आर हार्टली इनवाइटेड। हाय। 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 हेलो। हाय। मैं आपको ऑलरेडी जानती हूँ। आपको भी मैं जानता हूँ। कैसे? इनफैक्ट आप इसी शहर में रहने वाली हो ना? मैंने आपको सिग्नल पर खड़े देखा था। बहुत कम सिटीजंस हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं। मैंने आपकी फोटो क्लिक करके एफबी पर भी डाली है। ओह थैंक्स। बाय द वे मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, आपको वो फियांसे सूट नहीं करता। वो तो मुझे भी पता है। अच्छा, देन व्हाई सो? कॉन्सेप्ट सुनाने लगी तो रामायण बन जाएगी, खुलकर कहूंगी तो महाभारत बन जाएगी, इसलिए शॉर्टकट में कहूँ तो ये सिर्फ समझौता है। बाय द वे आई एम कार्तिक कृष्णा, न्यू एंट्री, दिस इज फॉर यू। I'm Vaishnavi. Pleasure meeting you. First meet में ही तुम्हारी मीठी बातों से मैं impress हुई हूँ। Thank you. Sir, sir. शहर में एक और हादसा हो गया है। दिन दहाड़े पब्लिक के बीच खून। हैवानियत बढ़ गई है। Interesting. इसका कारण हरी भाई और केशु भाई है। तुम गवाही दोगे क्या? आप सिटी पुलिस कमिश्नर हैं। आपका क्या रिएक्शन है? जिस किसी ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है उसके कंफर्मेशन के लिए मुझे एक गवाह ला कर दो। सलाखों के पीछे होंगे वो दोनों। क्या हे हे, व्हाट हैपेंड? फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है क्या? इस वक्त रिजल्ट के बारे में कौन सोचेगा? कार्तिक ने हमें लव लेटर लिखा है। कार्तिक, लव लेटर? वैसे किसके नाम लिखा है? सुना है उसने सबको लिखा है, इसीलिए उसने लेटर पर किसी का नाम नहीं लिखा। मेरी क्यूट प्यारी फ्रेंड्स, तुम सबको मेरा प्यारा तोहफा। मैं झूठ कहूँ तो भगवान मुझे सजा देंगे, ये तो हर किसी को चाहने लगा है। सिर्फ तीन अक्षरों के पीछे लाखों लड़कियाँ दीवानी होकर पागलों जैसी भटक रही हैं। सच कहूँ तो इस संसार में ऊपर वाले ने लड़कियों को बड़ी फुर्सत से सोच समझ कर बनाया है। शहर की हो या आउटर रिंग रोड की हो, हर लड़की हमेशा यही सोचती है कि उसका मनपसंद लड़का जहाँ कहीं भी हो उसे आकर मिल जाए। मैसूर महानगर में ऐसा सोचने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं है। वक्त के साथ साथ रहन सहन बदल गया, साड़ी पहनना छोड़कर जीन्स पहनने लग गईं। मेरी नजर से देखो तो लड़कियां कोई खिलौना नहीं है, वो तो नारी शक्ति हैं, इस संसार की खूबसूरत अप्सरा हैं। कॉलेज की हद से बाहर निकलकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अगर हिस्सा लोगी तो इस संसार में ही नहीं बल्कि देवलोक में भी फर्स्ट आओगी। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी लड़की को अपनी अंदरूनी खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं होता। आप सारी सखियां मेरे सामने खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही हैं, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सारी लड़कियों को आई लव यू कहना चाहता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ऊपर वाले की बनाई हुई इस अनमोल देन को मैं एक साथ कहता हूँ, आई लव यू। वेरी स्वीट कार्तिक, द बेस्ट लव लेटर कार्तिक। यू आर द बेस्ट कार्तिक, मी टू लव यू कार्तिक, सो स्वीट कार्तिक, प्रिटी इंप्रेस्ड कार्तिक, यू आर टू स्वीट कार्तिक। क्या कहा, क्लास नहीं है? लेकिन क्यों और किस लिए? अरे सॉरी सर, अरे तुम लोगों को आखिर हो क्या गया है? सर पे पैर रखे आखिर इस तरह कहाँ भागे जा रही हो? सर वहाँ कार्तिक कबड्डी खेल रहा है सर। क्या? कम कम हरी अब चलो चलो। कार्तिक कबड्डी खेल रहा है? कबड्डी 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 कबड्डी। एक्सक्यूज मी, जरा साइड हो जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। मैडम, इस खेल की जरूरत थी क्या? बहुत जरूरी है सर, लेकिन ये खेल आपके लिए नहीं है। कबड्डी 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 कबड्डी। कृष्णा, नो प्रॉब्लम ना? इनफैक्ट लड़कियों को देखकर मैं अपना कंसंट्रेशन खो तो नहीं जाऊंगा ना? मैं संभाल लूंगा। ओके। इतनी सारी लड़कियों के बीच में अकेला लड़का है मैडम, कहीं जिंताता ना हो जाए। वाह कैसी फिल्म दिखाई ऊपर वाले, दर्शन देके सबको अपने चक्कर में फंसा लिया। अब तो तेरे हर एक सीन पर मैं सीटी बजाऊंगा रे ऊपर वाले।
हेलो। हाय। यहाँ अकेले किस लिए बैठी हो? घर लौटते समय या घर से कहीं बाहर जाते समय मुझे सिर्फ एक ही टेंशन है कार्तिक। वही तो, किस लिए? मैं जब भी घर से कहीं बाहर जाती हूँ तब हमेशा केसु भाई के लोग मुझे फॉलो करते रहते हैं। मेरी सारी फ्रीडम चली गई है कार्तिक, इसलिए मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। छोटी छोटी बातों पर भी वो मेरे आसपास के लोगों को परेशान करता है। आई एम टोटली फेड अप। एटलीस्ट एक दिन तो ऐसा हो जब मैं फ्रीली जी सकूं, अपनी फ्रीडम एंजॉय कर सकूं। कार्तिक। कृष्णा, व्हाट अ सिली गर्ल, ठीक सोच रहे हो। ये आज्ञा है क्या? अभी उठा लेता हूँ। और सिर्फ एक दिन की परेशानी बची है, ऐसा कृष्णा ने कहा है। एक ही दिन में वो सारे लोग तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। इट्स ओके ना? प्लीज कार्तिक, स्टॉप किडिंग। रास्ता छोड़ रहे हैं। छोटू, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ दो लोगों से प्यार किया है, एक चाचा और दूसरा तू, जिन्हें मैं भुला नहीं सकता। और दोनों की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो जी में आकर, लेकिन जरा होशियारी से। छोटे भाई को कुछ नहीं होगा, बेकार में परेशान मत हो। छोटू का मुंह तो देखो, शादी के नाम से कैसे खेल उठा है। एक बार इसकी शादी तो हो जाने दो, बार बार बोलने से नजर लग जाती है, इतिहास इसका गवाह है। अरे ये क्या, उस कमिश्नर की बेटी पे नजर रखने के लिए कहा था और तुम मुंह सजा के आ गए? एक नकाबपोश हमारी धुलाई की ये बात अगर भाई को पता चल गई तो हमें अंडमान निकोबार पार्सल कर देगा। सबके चेहरे पर पट्टियां लगी हुई है, ऐसा क्या हो गया? उसकी वजह से भाई। किसकी? उसकी गाड़ी इतनी तेज थी कि वो हमसे बचकर भाग गई भाई, हमने उसका पीछा किया तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई भाई। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम चूहे को दोगे तो वो खुद शिकार हो जाता है, इतिहास इसका गवाह है। Hey, सब लोग इतनी साइलेंट क्यों बैठी हो? मौन धारण करके क्लासरूम को लाइब्रेरी बना लिया है क्या? केशु भाई ने वैष्णवी को कॉल किया था। I'm back, darling. मैं मर जाता अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो। That's it. खोई हुई जिंदगी तुम्हारी वजह से वापस मिली है। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, कम सो।
इतनी सी बात तो तुम्हारे साथ उसका रिश्ता जुड़ चुका है, तो इसमें डर कैसा? किसी आवारा के साथ रहने वाली मैं कोई कैरेक्टरलेस लड़की नहीं हूँ। कैरेक्टर तो बहुत सारे मिलते ही रहेंगे, वक्त के साथ समझौता करके एंगेजमेंट कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। एडजस्ट कर लो, जिंदगी भर एडजस्टमेंट करते रहे, हमें कोई फीलिंग्स नहीं होती क्या? होती है ना, दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और, मंदिर में जाओगे तो कुछ और होता है, कपड़े बदलने जैसी सोच रखने वाली का क्या भरोसा होता है? मैं हालात के साथ समझौता करके खामोश हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हूँ। रॉयल लाइफ में कौन एंजॉय नहीं करना चाहता? मुझे ऐश की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे बस खुश रहना है। उगते हुए सूरज को और दिल की बातों को कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम मेरे लवर हो, ये बात तुम्हें सबके सामने कहनी चाहिए। वैष्णवी, अरे कहाँ लेके जा रही हो? व्हाट इज दिस वैष्णवी, व्हाई आर यू पुलिंग मी? वैष्णवी, वैष्णवी क्या है ये? हेलो एवरीबॉडी, आई एम वैष्णवी, डॉटर ऑफ द सिटी पुलिस कमिश्नर। गुंडा किंग केसु भाई के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई है और मुझ में उसे ना कहने की ना ही हिम्मत थी और ना ही मेरा बॉयफ्रेंड था। आज सबके सामने कहती हूँ कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है और वो है कार्तिक कृष्णा। आई एम इन लव विद कार्तिक। तुम भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं कार्तिक, इसकी परवाह मुझे नहीं है, पर मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ कार्तिक। तुम हाँ कहो या ना करो, मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है और तुम्हारे साथ ही मरना है। दिखावे की जिंदगी खुशी की दो रोटी कभी नहीं दे सकती, और मैं जानती हूँ मेरे अंदर जो फीलिंग है वो प्यार ही है। यस, आई लव यू, आई वॉन्ट यू। भाई बुला रहा है, जाकर उसे कहो मैं उसे पसंद नहीं करती। भाई कोई रानी चाय नहीं है जो पसंद नहीं है, केसु भाई है वो। कृष्णा, गोविंदा, गोपाला। क्या कहा कृष्णा? दुष्टों को सबक सिखाने के लिए अपनी कमर कस लो ब्रदर। लड़की के ना कहने के बावजूद भी उसे जबरदस्ती सिर्फ लफंगे ही उठा कर ले जाते हैं, और ये बात गीता में कृष्णा ने नहीं कही है। अबे तू है कौन? कार्तिक कृष्णा, एक लड़की के दो आशिकों में से एक सच्चा प्यार करने वाला आशिक। इस शहर को जानता है? सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, अच्छे से समझता भी हूँ। देखो भाई, कोई भी लड़की किसी लड़की को सबके सामने आई लव यू कहती है और लड़का उसे एक्सेप्ट कर ले तो वो हो जाती है उसकी डैश। तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इस लड़की को साइड में लेके क्लैरिफाई कर लेता हूँ, वन मिनट। वैष्णवी, जो लड़का तुम्हारे दिल में है और जिसे तुम सच्चे दिल से चाहती हो, चाहे वो कोई भी हो, सेम हियर। फिर से एक ही बार कह दो, जब तक इस जिस्म में जान है तुम मुझसे प्यार करती रहोगी। फिक्स एंड फ्रीज, अब तुम मेरा प्यार बन चुकी हो। ए, यही है वो नकाबपोश। हर कोई चेहरा देखकर पहचानता है, लेकिन तू तो नकाब देखकर ही पहचान गया, कितना स्मार्ट है तू। ए, इस कॉलेज में जवान लड़कियां पढ़ती हैं, बी केयरफुल। जान बचाई थी ना? जी हाँ। फिर तो हम दोस्त हुए, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तो उन लोगों के हाथों कुत्ते की मौत मारा जाता तो लोगों को क्या पता चलता केसु भाई और हरी भाई की अय्याशी की वजह से कितनी लड़कियाँ बर्बाद हो गईं। सिर्फ जीने की एक आस लेकर कितने लोग जिल्लत की जिंदगी झेलते हुए आंखें बंद करके घुट घुट कर जी रहे हैं। उनके दिलों से वो खौफ हटाने के लिए मैं तुझे खुलकर पब्लिक में लाना चाहता था, इसलिए उस दिन मैंने तुझे बचाया और तेरे बारे में सब कुछ पता लगाया। जिस लड़की को तू पाना चाहता था उसी लड़की को मैंने टारगेट बनाया। दो घुट पानी पिलाने वाली लड़की के प्यार में तो पूरी तरह फंस गया था। अब ये वैष्णवी मेरी है और मेरी ही रहेगी।
नहीं नहीं भाई, मुझे मत मारना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। बच्चों का नाम लेकर तू बच गया, जा। मैं मानता हूँ मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। बता कौन है बे तेरा भाई, वो बहुत बड़ी तोप है, तुर्रम है या गटर का कोई सुअर है? भीड़ वाले इलाके में छोटी सी गलती पर भी बड़ी सजा देने को तैयार रहते हो तुम लोग, दूसरों को मारते हो। तुम्हारी वजह से कितने लोग अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, तू और तेरा भाई उन सभी लोगों की जिंदगी अगर उनके परिवार वालों को लौटाओगे तो ही मैं छोड़ूंगा। तूने जिन लड़कियों की इज्जत लूटी उनकी इज्जत लौटा सकता है तू? तब मैं तुझे जाने दूंगा, बॉल लौटा सकता है। भाई देखते एक महत्वपूर्ण खबर, मैसूर के लिकर किंग हरि भाई के छोटे भाई केशु भाई आज दोपहर से ही लापता हैं। इससे पहले केशु भाई को शहर के एक रिहायशी इलाके में कुछ लोगों के साथ झगड़ते हुए और मारपीट करते देखा गया था। शहर में दहशत फैली हुई है। सर, कल सिटी में जो लफड़ा हुआ था उसके बाद से केशु भाई मिसिंग है सर। केशु भाई मिसिंग है? जी सर। हेलो, हटो हटो छोटे, चाचा मेरा छोटू, जाओ जाओ उसे नीचे उतारो। छोटे भाई 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 क्या हुआ भाई? ए छोटू, ये सब कैसे हुआ रे? तेरी हालत किसने की? मुझे मौत के मुंह से बचा कर ये जिंदगी दी है उसने भाई। लौटा सकता है? रुक जा रे, अब कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसे पापियों को जीने का कोई हक नहीं, हर रोज मर मर के जी रहे हैं हम लोग, तुम ये पाप अपने सर पर क्यों ले रहे हो? इस घटिया इंसान ने तो हम हिजड़ों का भी जीवन बर्बाद कर दिया है, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, पास नहीं आना, दूर जाओ जाओ, हाथ लगाया तो जान से मार दूंगा, जाओ जाओ। अरे छोड़, तू हमें क्या मारेगा, जरा देखो तू हमें क्या बोल रहा है, आज बताते हैं इसे अपनी ताकत। अरे मारो रे इसको। मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा भाई, मत रो, उसे किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं भाई। नहीं नहीं, मेरी इस बेइज्जती का बदला आपको लेना ही होगा भाई। छोटू छोटू छोटू, तेरी कसम है छोटे, तेरी मौत का जिम्मेदार दुनिया के किसी भी कोने में हो उसके इतने टुकड़े करूंगा कि कोई भी नहीं गिन पाएगा। भतीजे, छोटू हमें छोड़कर चला गया, हमारे मरने के बाद हमारी चिता को आग देने वाला हमें अनाथों की तरह छोड़ गया। रे भतीजे, ओ मेरे भतीजे, हमें छोड़ गया छोटू, हमें छोड़ गया रे। कब किस वक्त कैसे मारना ये सोचने का वक्त नहीं है भाई। कितनी बार समझाऊं तुम सबको, पाप भी करना है तो एक हिसाब से करो, इतिहास इसका गवाह है। जब तक इसकी तेरवी नहीं हो जाती कोई भी तलवार नहीं उठाएगा, कोई जुल्म नहीं ढाएगा, कहीं कुछ भी होता है अपनी आंखें बंद कर लो, शांति बनाए रखो। इसकी तेरवी होने के बाद तुम्हारे साथ मैं भी चल पड़ूंगा, अपने हाथों से काटूंगा उसे। हेलो भाई, कौन है तू? बिगिनिंग में ही बैड क्वेश्चन पूछ लिया। मैं देवदूत हूँ भाई, ना ही मेरा कोई नाम है और ना ही मेरी कोई इमेज है। सच कहूँ तो मैं कौन हूँ ये बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने ये रखता है कि ये क्यों और किस लिए हुआ। तुम्हारे छोटे की वजह से मैसूर की हर जवान लड़की टेंशन में थी,
अगर समझदार हो तो एक राइट सलाह देता हूँ। एक शहर में दो भाई रहते थे, दोनों भी एक से बढ़कर एक थे। बड़ा भाई शेर तो छोटा भाई सवा शेर था। दोनों ही बहुत कमीने थे। अब तो मेरी बात समझ में आ गई ना? सूरत दिखाए बिना बहुत बोल रहे हो ब्रदर। ये मुझे मेरे बाप ने सिखाया है। अब तुम बॉटम हो, लेकिन तुम्हारा भाई सबसे टॉप पे था, इसलिए बेचारा कट गया। खुलेआम रोड पर रोमांस करते हुए कुत्ते की जिंदगी जीने वालों को मारने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। मैटर सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, सो मैंने कर डाला। मेरे छोटे को टच करके तूने बहुत बड़ी गलती की। हो सकता है, अब पूरी फिल्म दिखाना बाकी है। अभी तो मैंने एक छोटा सा टीजर बताया है। मैंने तुम्हारे छोटे भाई को होश में आकर संभल जाने का एक ऑप्शन दिया था, लेकिन उसने मरने का ही चांस ले लिया। सो आई कांट हेल्प इट यार। फर्स्ट पार्ट तूने सुनाई, कंक्लूजन मैं सुनाऊंगा। बस मेरे छोटे की तैरामी हो जाए, सिर्फ तब तक के लिए रुक। कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटेड बाय हरि भाई। भाई की तैरामी तक का तुझे टाइम देता हूँ। दुनिया का जो कोना तुझे पसंद है छुप जा, उसके बाद जब सामना होगा तब तू इस दुनिया में पैदा क्यों हुआ ये सोच कर तू पछताएगा। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? ना 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 ना, एक मिनट भाई, तुमसे बचकर छुपने के लिए और सेफ जगह ढूंढने के लिए मैं गूगल में सर्च करके देख लेता हूँ। रिजल्ट्स नॉट फाउंड यार। कोई बात नहीं, मैं ट्रैवल एजेंट से जल्दी से बात करके तुमसे बचने के लिए सही जगह कौन सी है इसकी इंक्वायरी कर लूंगा। तब तक तुम लोगों को स्टैंड अप पार्टी करनी है तो कर लो। जो लड़के पढ़ाई करते हैं वो या तो क्लासरूम में होते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिनेमा हॉल में होते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल डिफरेंट हो, पुलिस कस्टडी में बैठे हो। चलो सीधे पॉइंट की बात करते हैं, केशु भाई को क्यों मारा? आप टीवी नहीं देखते क्या सर? केशु भाई ने सुसाइड किया है। इस तरह के मामले को प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। टेक्निक की पहचान अभी आपको हुई है क्या सर? जवान लड़के लड़कियों को जब बेरहमी से मारा गया, उन पर अत्याचार किया गया, टाइम पास के लिए जब जवान लड़कियों को उठाकर उनका रेप किया गया, तब कहाँ थे सर आप लोग? है इस बात का जवाब सर? इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर कोई माने नहीं रखता? बेगुनाह जनता पर बेवजह जुर्म ठाना चाहे और उस हैवानियत को देखकर कानून के रखवाले अनदेखा करके आंखें बंद करके खामोश बैठे रहे तो मुझ जैसे चार लोग पैदा हो ही जाते हैं सर। भले ही वो नरकासुर राक्षस क्यों ना हो, उसे मारने के लिए हम जैसे लोग रास्ते पर आ ही जाते हैं। विद्या स्टॉप, विद्या जस्ट स्टॉप, कैच मी, विद्या रुको, ओए, ए फोन दो मेरा। अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स लंदन में हैं हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे तुम्हारी बातों में फंस जाऊंगी हाँ? मैं भी तो देखो तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है। मेरा फोन दो। ले लो फोन। देखो वो बहुत ही शरीफ लड़की है, कम से कम उसे तो छोड़ दो प्लीज। आपकी चाहने वाली अमेरिका की है, वो बेचारी तुम्हारे टाइम के हिसाब से एडजस्ट करके तुम्हें प्रपोजल्स भेज रही है। इसका मतलब जानते हो, वो तुम्हें फंसा रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। वो बचपन से ही मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है। मुझे अगर किसी से प्यार होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता तो और किसे बताता? लेकिन ये मैसेज और टेक्स्ट किसने किया है ये जानने के लिए ये लड़की बिल्कुल सही है। क्या तुमने उसे कॉल बैक किया या एड्रेस पता किया? कॉल बैक करता हूँ तो रिस्पांस नहीं मिलता, उसका एड्रेस प्रूफ भी नहीं है, तो फिर सोचो मैं उसे शादी कैसे करूँ? ओ अच्छा, हमारे सामने एक्टिंग कर रहे हो, लायो। तो कार्तिक का विकेट फोन पर ही उड़ गया, बोल्ड हो गया। जिस दिन मेरे दिल को सही लगेगा तब मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा वो मैसेज क्या है, वो डेप्थ क्या होती है। अरे बाप रे, इस शरीफ पार्टी को फिदा होने का ये पक्का फ्लैट गेम है। अच्छा प्रूफ की क्या जरूरत है? जो तुम्हारे दिल में है वो बताओ। तुम्हारी फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर करने के लिए ही मेरी लाइफ कम पड़ रही है, तो फिर लव करने का टाइम ही कहाँ बचता है? अगर तुम मुझसे प्यार करोगे लाइफ लॉन्ग तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। विद्या तुम कार्तिक से एक एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी, तब से अंकल ने मुझे बेटी की तरह पाला और कार्तिक ने भी हमेशा मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा है। कल मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उससे प्यार होने लगा है। सोचने लगी कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं। लव का क्या मतलब है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये सब मुझे तब समझ में आया
जब से मेरी जिंदगी में कार्तिक। बहुत अच्छे, आई एम वेरी हैप्पी। खुद को पूरी तरह से समझने वाले अपने बेस्ट फ्रेंड को तुम अपना लाइफ पार्टनर चुन रही हो। वाओ, आई अप्रिशिएट दैट। कार्तिक इज बेस्ट फॉर यू। चार दिन बाद तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, उस सेलिब्रेशन में इस ग्रेट न्यूज को बिल्कुल ग्रैंड तरीके से ऐलान करूंगा। ओके ना? नो अंकल, इस बारे में बात मैं खुद करूंगी। उसकी आंखों की खुशी मुझे सबसे पहले देखनी है। यह मम्मी की डायरी है। मम्मी ने जाने से पहले अपनी बेटी के लिए अपनी सारी फीलिंग्स को अपनी इस डायरी में लिख दिया था। मम्मी पापा ने जहाँ शादी की थी, वो चाहते थे कि मेरी शादी भी उसी मंदिर में हो, इसलिए मैं मैसूर जा रही हूँ और उसी मंदिर में मैं कार्तिक को प्रपोज भी करूंगी। ओके बेटा, एज यू विश। मिस्टर माइकल, कैंसिल ऑल माय अपॉइंटमेंट्स बिकॉज हम कल ही इंडिया जाएंगे बेटा। अंकल, मैं अब बच्ची नहीं रही, आप यहीं रहिए, हमारी टेंशन मत लीजिए। मैं और काव्या कार्तिक को किडनैप करके उसके पिक्चर आपको भेज देंगे। किडनैप? क्या हुआ? अमेरिका में सुनामी आई है, चलो उठो, जल्दी करो, कम ऑन। ए यार, चलो हमें भागना है, कम ऑन, रन कार्तिक, लीव, कम ऑन, मोन। पैंट नहीं पहनी है। ओफो, इस हालत में भी तुम्हें पैंट की सूझ रही है, चलो निकलो, अरे, भागो, छोड़ो ना, कम ऑन। व्हाट्स हैपनिंग? सुनामी, सुनामी, ओह माय गॉड, गो, गो, चलो, गो, बैठो, लेट्स गो। Hi! Hi! I'll call you back. Oh, wow! Hey! Hey! Hi! Hey! How are you? Oh my God! How are you? Fine. How are you? Please come. मतलब सडनली सुनामी का नाम लिया तो तुम भी घबरा गए ना कार्तिक? अमेरिका में हमेशा आता रहता है। क्या? तुम्हें पता है ना, कोई मेरे साथ धोखा करता है तो मुझे गुस्सा आता है। अच्छा अच्छा, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। जी कार्तिक, तुम्हारी जिगरी दोस्त काव्या की ये सगी बड़ी बहन है और मैं इसका सगा जीजा हूँ। So we are a family. Feel free, man. जब ये सो जाएगा और अचानक से सुनामी आएगी तो अपने आप फ्री हो जाएगा। चल चल, एक बार और खेलते, इस बार टेल्स है ना तो हम लोग इसकी पैंट उतारेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइडिया टेल दोनों में उतारेंगे। भाई अब छोड़ दो ना, हो गया ना। हाँ भैया। क्या हुआ भाई, क्या हो गया? हाँ मैं तो जानती हूँ, नजर वहाँ टिकी है, पसंद आ गई क्या? चले, इरादा बना लिया। ज्वेलरी शॉप भैया, गले में, कान में, इधर उधर, सोना ही सोना। भाई हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। जाने दो भाई, जाने दो इसे, जाने दो। टॉस कर लेते हैं, ठीक है? अगर हेड्स आया तो तुम्हें जाने दूंगा, ठीक है ना? सच कह रहा हूँ, कार्तिक हमारे साथ नहीं रहने वाला। अब वो इंडिया आ चुका है तो सुबह के साथ मिलकर कार में पूरा गांव घूमेगा। तुम लोगों के आने की खुशी में तुम्हारी दीदी जो है ना, वो किचन से नहीं निकलने वाली। सही है यार। कॉइन दो भाई, ऐसा लगता है इसे हेड टेल की परवाह नहीं है, मैच फिक्सिंग के लिए आई है। अच्छा, तो फिर मैं ही कर देता हूँ। मैं इसके साथ खेलना चाहता था, बीच में तू क्यों आई? प्लीज सर, ये विदेश चाहिए सर, इसे कुछ नहीं पता सर, इसे छोड़ दीजिए प्लीज सर, छोड़ दीजिए। खेलना मैं भी जानती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ, हिम्मत है तो छोड़ के दिखा। ऐसी बात है क्या? तुझे छुए बगैर तेरी सारी इज्जत उतार दूंगा, सारी दुनिया के सामने। मैं क्या चीज हूँ अब तुम्हें बताता हूँ। तू मेरे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, मुझे ललकारने का अंजाम क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए।
अपने अपने मोबाइल में इस तमाशे का वीडियो बना लो ताकि याद रहे। नो प्लीज सर, सर सर प्लीज क्या हुआ कार्तिक? हुआ क्या था? विद्या कहाँ है? विद्या कहाँ है? जैसी नहीं है। तुम्हारे जैसी वॉच खरीदूंगी तो दोनों वॉच सेम हो जाएंगी। फिर हम इस दुनिया में एक होकर सेम टाइम पर जिएंगे, सेम टाइम पर मरेंगे। इस शहर में हर एक मिनट पर एक खून होता है। पूरी सोसाइटी में डर छाया हुआ है सर। चाहे वो कोई भी हो, सारे लोग डरे हुए हैं। मरना या मारना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है सर। डर, स्वार्थ, लालच, हैवानियत, इंसानों पर कहर ठाने वाली हैवानियत सर। पता नहीं कहीं से आकर यहाँ पर बसे हुए केसु भाई को मैंने लोगों के सामने बेनकाब किया। कार्तिक, तुमने जो किया वो सही था या गलत इसका फैसला करना मेरा काम नहीं है। सरकार की दी हुई ये खाकी पहनकर सीने पर गोली खाते हैं हम लोग। आज इन दोनों भाइयों की वजह से सर झुकाकर जी रहे हैं हम लोग। अगला हरि भाई ही सही। इस शहर में कोई भी गुंडा नहीं बचना चाहिए। सबको शूट करो। गो अहेड। रामायण उठाकर देखिए और उसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राम जी का भी पर्सनल प्रॉब्लम था। ये भी ऐसा ही है। मैं भी अगर उन्हीं की तरह हथियार उठाकर उनका सामना करने निकलूं तो फिर यह शहर शहर नहीं रहेगा, शमशान बन जाएगा। मुझसे जो गलती हुई है उसकी क्या सजा है ये फैसला कीजिए। तुम्हें अरेस्ट करके अपने कमिश्नर की वर्दी पे दाग नहीं लगाना चाहता। तुमने क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। तुम जा सकते हो। मुझे अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के बाद मेरे ग्लैमर में कमी आ गई है। मुझे ब्यूटी पार्लर ले चलोगे? चलो। हे, स्टॉप इट। पहले मुझे ये बताओ मुझ में क्या कमी थी? केशव भाई से बदला लेने के लिए तुमने मेरा सहारा क्यों लिया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बचपना बंद करो। हर चीज को तो मजाक में मत लिया करो। पहले मेरी परमिशन के बिना मेरे मॉम डैड ने मेरी शादी फिक्स कर दी, उसके बाद तुम प्यार बंद कर आए पर तुम भी झूठे निकले। विजुअल देखकर जोश में आने वाली तुम कोई विद्या बालन नहीं हो। अच्छा, तुम्हें पर्सनालिटी में विद्या बालन चाहिए? विद्या बालन चाहिए? What's wrong with you? घर से निकलती हूँ तो मैसूर का हर नौजवान कहता है कि काश मैं उसे मिल जाती। आखिर क्यों तुम अपने झगड़े में मुझे मोहरा बना रहे हो? मैं मानता हूँ कि मैंने प्लान किया था, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। कॉलेज में आने से पहले ही तुम्हें देखकर अपना मान लिया था। मरने वाले दरिंदे को पानी पिलाकर उसे जान देने वाली पागल लड़की मेरी जिंदगी का पहला हसीन चेहरा। एक लड़का एक लड़की को चाहे इसलिए किसी खास मौके की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने किसी लड़की से प्यार नहीं किया सिवाय तुम्हारे। घर आ गया है। जाने का दिल नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मेरी बेटी मेरी जान है। मेरी लड़की ने जिस लड़के को पसंद किया है उसे उसका लाइफ पार्टनर बनाने में हमें कोई एतराज नहीं। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। दो जवान बच्चों के साथ एक बाप को इस तरह खड़े होकर बात करना शोभा देता है? मैं पुराने जमाने की माँ नहीं हूँ। मेरी बेटी इसके साथ खुश रहेगी ये मुझे पता है। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। शी इज ऑल योर्स। सब लोग शहर का कोना कोना छान मारो।
हमारी दहशत से वो जरूर बाहर आएगा, फिर देखते हैं उसे हमसे कैसे बच पाएगा। अब यह सब होना मुश्किल है भाई, मैसूर में हमारी हवा निकल चुकी है, अब हमें देखकर कोई नहीं डरता भाई, कोई हफ्ता भी नहीं देता। सेटलमेंट का काम भी नहीं आ रहा भाई, कोई कब्जा का काम भी नहीं दे रहा भाई, वो कार्तिक रातों रात हीरो बन गया भाई। भाई भाई अंदर जाके देखो ना भाई। गणेश को मैंने पहले ही उसके घर, आइए बैठिए ना। पंडे की तरह मजे लेकर खा रहे हो, सुनो भाई असली घी भी दो जल्दी। ऐसे क्यों देख रहे हो भाई, मैं हूं तुम्हारा दुश्मन। तुम्हारे भाई की मौत के बाद सोच रहा था मेरा असली काम तो हो गया, लेकिन तुम्हारी दी हुई वार्निंग बोनस के रूप में लौटानी बाकी है, यही सोचकर मैं यहाँ आ गया। तू जानता नहीं कितनी बड़ी भूल कर रहा है तू। तुम्हारे भाई की मौत एक इशारा है, उसे देखकर अपने आप को बदल लो, शांति से रहोगे तो ठीक, वरना तुम्हारे नाम का शंख बच जाएगा और उसके बाद तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बल्कि भूत बनकर पूरे देश में भटकते ही रहोगे। अच्छा डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कोई नेसेसरी प्लान बनाने में जुटे हुए हो, वो पूरा होने तक इधर उधर भटक कर एक्शन लेने से बेहतर है एक जगह बैठकर सोचोगे तो फूड फ्री, बेड फ्री, टोटली टेंशन फ्री। वरना ये लड़की यहाँ बैठी है, माय लव, जीना या मरना मेरे साथ फिक्स, तुम्हारे 13 डेज पूरे होने तक ये यहीं रहेगी। एक बात जानते हो, शेर को दूर से देखने में ही भलाई है, नजदीक जाकर हाथ फेरना खतरनाक होता है, इतिहास गवाह है। इतिहास सच कहता है चाचा जी, शेर के सर पर हाथ फेरोगे तो सीधा आप पर झपटेगा। शाबाश, ये कहकर तूने मेरा रास्ता खोल दिया। एग्रीमेंट करना चाहो तो मैं रेडी हूँ। दिमाग का बहुत तेज लड़का है ये, बुझता दिया तेज फड़फड़ाता है, इतिहास गवाह है। दिया जलेगा या जलाकर राख करेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। भाई आप बोलो तो उसका रास्ते में ही खेल खत्म कर दूं। 13 दिनों तक कोई कुछ भी नहीं करेगा, हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बस इन्फॉर्म करना है भाई। ऐसा कौन है वो? तेरी शादी है? शादी ब्याह की नौटंकी खेलने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने मैसूर सिटी के हर कोने में अपना धंधा स्टार्ट किया है और धंधे को स्टार्ट करने से पहले रिबन कटवाना है, कैसा भी हो ये तो करना ही पड़ेगा। कोई बताएगा ये है कौन? न्यू किंग ऑफ मैसूर। सबको कटवाने आया हूँ, क्यों यकीन नहीं हो रहा डूड? इस तरह के धंधे में लड़कियों की क्या जरूरत है? रखवाली के लिए बेवकूफ। ए तुझे पता नहीं तू कहाँ खड़ा हुआ है? बेसिक क्वेश्चन का मिलता है बेसिक रिप्लाई, बेवकूफों से मैं नहीं करता हाई फाई, मैं अपनी टांगों पे खड़ा हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? और तू यहाँ आया क्यों है? आग लगती है तो फायर ब्रिगेड बुलवाते हैं, गोली लगती है तो एम्बुलेंस बुलवाते हैं, पर जब तुम लोगों की लगती है तो सूर्या भाई का बुलाते हैं। हमारे इलाके में हमें ही आके दिखा रहा है, कोई गांव बेचता है, कोई अनाज बेचता है, कोई ठंडा बेचता है, मैं हूँ एकदम कूल, यो ब्लडी फूल। हेलो, समझदार है तो इस तरह की बातें मत बोल। अरे करने दे भाई, आफ्टर ऑल सिगरेट पैकेट पे लिखा होता है ये खतरनाक है, बॉटल पे लिखा होता है जानलेवा है, फिर भी लोग ये सब कुछ हद से ज्यादा पीते हैं तो क्या वो लोग मर गए? भाई 13 दिनों के शोक में इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे मत बोलो, मैं भी इस इलाके में धंधा करने आया हूँ, एक बार मेरे माइंड में अगर कुछ फिक्स हो जाता है ना तो मैं उस पर ब्लाइंडली चलता हूँ। इसे 500 के 2 नोट दे दे, स्टैंडर्ड भिखारी लगता है। मैं किसी का एहसान लेकर जीने नहीं आया हूँ यहाँ पर, समझे? फिर मैं मैसूर में सिर्फ एक ही पॉइंट लेकर आया हूँ, इस पूरे शहर को मैं पेशाब करवाने आया हूँ। वो सब लोग करते हैं, तू क्या नया करवाएगा? हमारा स्टैंडर्ड क्या है तू जानता है? पोजीशन में हो या अपोजिशन में, पावर में हो या बाहर, सेंटर में हो या स्टेट में, मैसूर से हो या मछलीपट्टनम से, सबको एक ही लाइन में खड़ा करके, वंस यू स्टेप इन
नेक्स्ट डे रिपीट। ओए तू यहाँ क्या कचरा साफ करेगा रे है? वो करना क्या गुनाह है? वो कोई छोटा काम नहीं है, वही तो करने आया हूँ मैं। चाहे तो मुझे अपॉइंट कर लो। ठीक है तू भाषण चालू रख। मैं कोई सुपरस्टार तो हूँ नहीं, होता तो ना कर सकता था, पर मैंने हाँ कर दी, इसीलिए तो आया। मेहनत तो मेहनत है, सेम टू सेम। मेरी बातों का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन फिर भी हर किसी के समझ में आ गई। स्वागत है भाई। बाय द वे आपका ऑटोग्राफ दोनों भाई। अरे सुन तो, मैं भी तुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था। इनफैक्ट आगे क्या करना है ये जरा समझा दे, ऑटोग्राफ मिल जाएगा। कई दिनों से कोई अच्छा काम करने की सोच रहा था, अब मौका मिल गया इसलिए मैसूर आ गया। अब मुझे सूर्य भाई बनकर चमकना है यहाँ। अब आगे क्या करना है जरा ये भी बता दे। सबसे पहले इस राजा को रानी चाहिए। चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। आपकी रानी ऑलरेडी फिक्स है भाई। कौन है? मैसूर के राजा के लिए हरी भाई की वन एंड ओनली सिस्टर चित्रा। लापता हो चुके केसु भाई मिल गए। हरी भाई के छोटे भाई की हत्या, पेपर में न्यूज़ है भाई। गुड मॉर्निंग मैसूर। मैसूर की जनता के लिए खुशखबरी। मैसूर की जनता के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये क्या पता है? केसु भाई की लाश। एफएम रेडियो भाई मस्त फंडा है, पता है? किसी ने उसे खाना खाते समय इसे बजाओ तो अच्छा लगता है। ये बहुत हॉट है गुरु। सहन नहीं कर पाए और हरी भाई को हार्ट अटैक आ गया है, इसीलिए केसु भाई की तेरहवीं होने तक हरी भाई का आतंक रुक गया है और वो लोग 13 दिनों का शोक मनाने के लिए अपने बिल में घुस गए हैं। इसलिए 13 दिनों तक शहर में कोई आतंक नहीं रहेगा। खुशियां मनाइए। चित्रा की एंट्री का करेक्ट प्लान बनाया है ना? हे चित्रा। भाई लापता हुई लड़की अगर सामने आ जाए तो तुरंत कैच कर लेना चाहिए। अरे पर वो मुझे घास नहीं डालेगी यार। वो पहले जैसी नहीं रही, अब वो सिर्फ आपकी प्रपोजल के लिए वापस लौट कर आई है। Are you sure? अब ज्यादा देर मत करो भाई, अटैक। I love you. कल ही तो मिले और I love you पे कह दिया। एक घंटे बाद कहूँ या कल कहूँ या एक हफ्ते बाद, जब भी कहूँगा सेम फीलिंग होगी, जो मैं सोचता हूँ वही कहता हूँ। जानते भी हो मैं कौन हूँ? बताओ। हरी भाई की छोटी बहन। अच्छा, हरी भाई की छोटी बहन लड़की नहीं है क्या? उसे मर्द नहीं चाहिए क्या? Idiot. भाई किसी के सामने कुछ भी कहने से जरा भी नहीं चकरा भाई। क्या क्या बात है। आहा सेटअप तो बढ़िया है। अरे सुनो वो जूस इधर दो। तुम तो बड़े तोपची हो ना, पैग लो। जब शराब अंदर जाती है तो इंसान अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहता, इसलिए मैं इससे दूर ही रहता हूँ। वो छोड़ो, वो जूस दो ना यार। तुम सबको मेरी गर्लफ्रेंड बहुत पसंद करती है, तुम्हारे बारे में बहुत फील करती है। छी छी, लड़कियों की हमदर्दी पे हम क्यों पिघलें? हम दहाड़ने वालों में से हैं। हम जहाँ से गुजरते हैं लोग हमारे पैरों पे गिरते हैं। हर एक इंसान अपने बाल बच्चों के लिए, पैदा करने वाले माँ बाप के लिए, शादी के बाद अपने पूरे परिवार के लिए, अपने संसार को पालने के लिए और उन्हें जायज हर खुशियाँ देने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए, मरते दम तक हमें उनका गुलाम बनकर उनकी खुशियों के साथ अपने आप को भी देखना पड़ता है। और उन्हें छोड़कर अपनी जिंदगी का रंग रूप बदल कर, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही खुशी सब कुछ है, ऐसी सोच जो रखता है उसे एक ना एक दिन तो उसके करने की सजा मिलती ही है। बाद में हमेशा जुबा पर गोविंदा का नाम रख के उसी की माला जपते हुए और आखिरी जगह उसी के चरणों में है, ये सोचकर वो खुद को लिविंग लेजेंड बना लेता है। तुम लोग जब यहाँ पर आते हो तो तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, कब लौटोगे और आओगे भी या नहीं, पता नहीं जिंदा भी हो कि नहीं, ये टेंशन इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग लेते हैं, एक तो तुम्हारी माँ और दूसरी तुम्हारी पत्नी। कभी देखा है इन दोनों का दिल कैसा होता है? मैं सच कहूं तो हम जिस दिन लड़े थे उसके बाद आज हमारी यहाँ बातचीत हो रही है। अब तक हमेशा बिजी रहने वाले तुम लोगों को तुम्हारे बाल बच्चे कितना मिस कर रहे होंगे, इस बात को जरा सोच के देखो।
सुबह निकलने वाला सूरज अपनी जगह डूब जाता है, लेकिन तुम लोग केसु भाई के कहने पर किसे उठाना है, हरी भाई के कहने पर किसे मारना है, डे एंड नाइट बस यही सोचते रहते हो। बाहर के लोग तुम सब लोगों को क्या कहते हैं पता है, राउडी, गुंडा, लफंगे, छी। बाहर के लोगों के सामने अपनी दादागिरी दिखाकर किसके कहने पर किसकी जान लेनी है, कब किसके हाथ से मारे जाओगे, यही सोचकर टेंशन से मरना है या फिर अपनों के साथ खुशी से जीना मरना है, सोच लो। लेकिन नहीं सोचोगे, सॉरी यार, इमोशन में ज्यादा ही बोल गया, चलता हूं भाई। अब मैं जाकर सुकून से सो जाऊंगा, अगर मेरी बातें गलत लगी हो तो कभी भी आकर मेरी गर्दन उड़ा देना, और सही लगी हो तो इंसान बनकर जीने की कोशिश करना। कम, क्या हुआ, बोलो। चित्रा, चित्रा अंदर है, तो जाओ क्या? जाओ, म्याओ, जाओ ना जाओ। यस। बैक डोर एंट्री? हाँ, नो, लव डोर एंट्री। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। या टेल मी। एक्चुअली actually what? Actually, तुम मेरी कमर देख रहे हो। मैंने तो नहीं देखी। Actually, तुमने मेरी कमर देखी? नहीं देखी मैंने। तुमने देखी? कहा ना, नहीं देखी मैंने। तुमने मेरी कमर देखी है? नहीं। ठीक है, बात क्या है वो बताओ। किस चाहिए? वो भी लिप लॉक। एक घंटे तक। क्या कहा? और दे दिया तो क्या करोगे? लॉक कर दूंगा। लिप्स, 1 आवर लिप लॉक में 3000 कैलोरीज बर्न होती है। चाहे आसमान टूटकर जमीन पर गिर जाए, देखने वाले देखकर बेहोश हो जाए, या कोई दुनिया ही छोड़कर क्यों ना चला जाए, बट 1 आवर, मुझे पूरे 1 घंटे तक तुम्हारी किस चाहिए। No. Yes. तो तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे क्या? भाई, गौर से सुनिए, मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अर्जेंटली बात करनी है, जीजू के बारे में। मुझसे? हाँ। किसके बारे में? उस अतरंगे केकड़े के बारे में। You are right. चलो। अभी हम लोग 3 आवर्स का फाइटिंग गेम खेलें क्या? चित्रा भैया। चित्रा मेरी बहन है, दोबारा इसकी तरफ देखना भी मत। तेरी बहन को साथ लेकर घूमूंगा तो तू क्या उखाड़ लेगा? हरी, हरी भाई हूँ मैं। तो क्या हुआ, तू हरी है तो मैं सूर्य हूँ, सूर्य भाई। मेरी पावर को जानने वाले हर एक शख्स को इस मैसूर शहर में मैं एक एक करके वापस भेज देता हूँ, तुझे भी भेज दूंगा। भैया, अगर आपने इन पर हाथ उठाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सूर्या, मेरे भैया मेरे लिए सब कुछ है। भैया, मैं ये बात आपसे भी कहती हूँ, सूर्या के बिना मैं नहीं जी सकूंगी। भाई, हमारे गैंग में काम करने वाले एक एक करके जा रहे हैं। भाई, कुछ करना पड़ेगा। भाई, इसका कारण वो कार्तिक है, उसने सबके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है। अब हरी भाई का नाम सिर्फ नाम बन के रह गया। भाई, ए, मेरे जान से प्यारे छोटे भाई को मारने वाला कार्तिक है, और उसे खोने के बाद मैं हर एक दिन ज्वालामुखी जैसी आग में लगातार धधक रहा हूँ। इंतजार है सिर्फ उसकी मौत के काउंटडाउन का। मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, मेरे बिजनेस को चौपट कर दिया, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उसी ने दिखाऊंगा मौत क्या होती है, उसे दिखाऊंगा। मेरी खामोशी जितनी साइलेंट है, मेरा बदला उतना ही वायलेंट होगा। सर, आपका इफेक्ट उन लोगों पे ज्यादा नहीं हुआ है। उन्हें मेरा नाम नहीं बताया क्या? उन्होंने आपके नाम पर ध्यान नहीं दिया सर। मैं लाइव शो नहीं दिखाना चाहता, ये फैसला मैं पहले ही फिक्स कर चुका हूँ।
जो मैंने शुरू किया उसे आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद वो कभी नहीं भूल पाएगा। हाँ तो ऐसा क्या कर लोगे? सवाल गलत नहीं है, पर मैं समझाता हूँ। अगर बुलेट निकाली तो तू मर जाएगा, और अगर बात करना शुरू किया तो वो एक ड्रामा बन जाएगा। किसी को मारते समय मेरे हाथ से क्या हो जाएगा, किस पर क्या कहे टूटेगा, ये मुझे भी नहीं पता। सब कुछ बिगड़ जाएगा। अब मैं तुझे एक अलग बात सुनाता हूँ, जरा सुन। सड़क पर एक कुत्ता चलते हुए जा रहा है और उसके ठीक सामने से एक बिल्ली आ रही है, तो तू क्या सोचेगा? बिल्ली रास्ता काट गई सोचूंगा। रॉन्ग, इसे कहेंगे रिस्क लेना। अब इसी का उल्टा सुनाता हूँ, जरा सुन। पहले बिल्ली रास्ते से भागते हुए गई और उसके पीछे कुत्ता भागते हुए गया, तो बता तू क्या सोचेगा? कुत्ते को किसी ने मार के भगाया होगा। नो, इसे भी कहते हैं रिस्क लेना। तुझे पता है यह कुत्ता कौन है? मैं हूँ। मेरा सामना करना बहुत ही रिस्की है, और मैं जिसका पीछा करता हूँ वो उसके लिए भी रिस्की है। मैं सूली पे लटका दूंगा। सूली पे? ए, गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। मैं हूँ ना भाई, आइए। इसकी तो अंदर चलो। Come on babes, give me high five. Oh, double five. ये यहाँ है। लेडीज प्लीज बाहर जाएंगी। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? कमर में थोड़ी मोच आ गई है, दवा लिख दी है, खिला दीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझ में इरिटेशन भरा है जिससे सिर फटा जा रहा है, पूरी तरह पागल हो चुका हूं मैं। इन 13 दिनों में मेरी टेंशन कम नहीं होगी डॉक्टर। उसके बाद जिसने मुझे टारगेट किया है उसका खून देखने के बाद ही मुझे आराम मिलेगा। तब तक आप जिंदा रह पाओगे क्या? तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, बस कैसे ठीक होगे ये सोचो। अगर धन दौलत चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत करके भाई फिर से कमा लेंगे। लेकिन जान चली गई तो सोचिए क्या होगा। इसलिए जिस किसी ने भाई को टारगेट किया है, छोटे की 13वीं होने के बाद उसे नरक दिखाने के लिए स्ट्रांगली डिसाइड करना पड़ेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे सारे टेंशन साइड में रखकर एक फुल बॉटल लगाकर आराम से सो जाओगे ना, तो एटलीस्ट बॉडी पेन तो कम हो जाएगा। बाप रे, भाई की हालत देखकर लगता है बहुत जल्दी ऊपर जाने वाले। हाँ, देखकर मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाद में हिसाब किताब हम ही तो देखेंगे। सही कह रहे हो, मिलजुल के संभालेंगे। बकवास बंद करो। लालच बुरी बला है और तबाही की निशानी है, इतिहास गवाह है इस बात का। चेहरे पर मूछ और फ्रेंच कट दाढ़ी रखना ही काफी नहीं होता है, दिमाग भी चाहिए। पूरे मैसूर में अपना टेरर फैलाने के बाद वो कार्तिक मुझे टारगेट कर रहा है। मन करता है कि उसे कच्चा चबा जाऊं। अरे दिन रात उसके बारे में सोचेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, शांत दिमाग से कोई प्लान बनाते हैं। ऐसे ललकारने वालों का इतिहास गवाह है। कल का छोकरा हवा बनकर आया है, तूफान से क्या टकराएगा। छोटे की 13वीं तक वो यहीं रुका है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। फिर जरा सी भी आवाज हुई ना तो वो कमीना उठ जाएगा। इसे शहर से बाहर लेकर जाना होगा, दिमाग से काम लो। साइलेंटली काम करोगे तो कामयाबी मिलेगी, इतिहास गवाह है। देख क्या रहे हो, गाड़ी में डालो, रोमियो आ जाएगा। जल्दी हो, जल्दी धक्का मत मारो, जल्दी जल्दी। Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Ho Vrindavan Baba Ki हरी, हाउ आर यू? दोनों भाई अलग हो चुके हो क्या? आज दोनों साथ में नहीं आए, या फिर कहीं पावर तो नहीं फेल हो गया? नहीं बाबा, आजकल हमारे हरी भाई को बहुत प्रॉब्लम हो गई है बाबा। दरअसल कल के एक छोकरे ने मुझे पागल बना कर रखा है, इसीलिए आपके पास आया हूँ बाबा। जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ दुख भी होता है,
इसलिए सीक्रेट मेंटेन करना चाहिए, तभी जीत और खुशियाँ मिलती हैं। यहाँ का जो मैटर है ऊपर आकाश में जाकर उथल पुथल हो गया है। साइलेंट में रहने की वजह से वायलेंट हो गए हो तुम। इस समय तो भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं क्या करूँ बाबा? तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर करने चले हो? किसी भी तरह से मेरी मुश्किल आसान कीजिए और मुझे बचा लीजिए। एक बार मैंने प्लूटो की साधना की तो फिर वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, क्योंकि प्लूटो डे के बजाय नाइट में ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? नाइट होने तक वेट करना पड़ेगा। नाइट होने से पहले की सारी तैयारी। आपसे मिलने के लिए लंदन से कोई बहुत बड़े क्लाइंट आए हैं, उन्हें बुला लूं? बड़े लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। इतना ही नहीं, मुझे लंदन वाली लॉलीपॉप भी बहुत पसंद है। जल्दी लेकर आ जाओ। नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा। नमस्ते। लंदन में सब खैरियत तो है? सब खैरियत है बाबा। मेरे बॉस एरिजोन कंपनी के सीईओ जगदीश दानिश जी बहुत बड़ी मनी डील की बात करने के लिए आए हैं। मनी डील? या तो फिर बेकार में टाइम क्यों वेस्ट करें, चलो आओ। मैं आपके बारे में नेट पे देख चुका हूँ। चीची बेकार लोग, नेट छोड़िए ना, वो कहते ज्यादा करते कम है। और मैंने वृंदावन बाबा के आश्रम के लिए बहुत अच्छी जगह देखी है। ओह, तुम्हारी देखी हुई जगह पे पैसा मिल गया, मैं सेटल हो जाऊंगा। इंडिया में सभी स्वामी लोग, भगवान लोग और साधु लोग दक्षिणा की मांगते हैं, इसीलिए कि वो पॉपुलर हो जाएं। इफ यू डोंट माइंड, आपका बॉडी लैंग्वेज देखकर आप मुझे लड़की लग रहे हैं बाबा। मैं तुम्हें वो दिख रहा हूँ क्या? मैंने अपना सब कुछ त्याग कर इसी रूप में ढाल लिया है। आपकी फ्रैंकनेस मुझे अच्छी लगी। थैंक यू। मैं 1 करोड़ रुपए आपके आश्रम को डोनेशन देने की सोच रहा हूँ। 9110000। ये आपका मोबाइल नंबर है? ये मेरा अकाउंट नंबर है। तो फिर मेरे बंदे आपके साथ जाकर जानकारी के लिए आपके आश्रम के बारे में एक रिपोर्ट मुझे देंगे। ये खुश हो गए तो पैसे आपके अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। देखता हूँ कहाँ कहाँ टच होता है। बहुत अच्छे सामू सर। सर सीन का स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले डायरेक्शन के साथ साथ यहाँ तक की एक्टिंग भी मैंने की है सर, इसके बदले सिर्फ 5,000। देखो भाई, जब मैं फिल्म स्टार्ट करूंगा ना तब तुम्हारे टैलेंट के लिए 5,000 नहीं बल्कि 5 करोड़ दूंगा। बुरा मत मानिए सर। देखो जो था वो दिया, अगले सीन में तुम्हारी जरूरत पड़ी तो बुलाकर और ज्यादा दे दूंगा। ओके, तब तक ये मुझे दे दो। चूना लगा गया। ये मेरा भगवान से अकेले मिलने का समय है। वृंदावन बाबा को प्रणाम। ये यहाँ क्यों आया? ये बाबा को कैसे जानता है? बाबा, हमारी सभी समस्याओं की जड़ यही है, इसे आश्रम से बाहर निकालिए। अपनी नजर का चश्मा बदलो, सब अच्छे दिखेंगे। इंसान इंसान से मिले तो परहेज कैसा। ये दोनों मेरे लिए बहुत ही खास हैं। मैंने इनको आने वाली कृष्ण रात्रि के सेलिब्रेशन के लिए स्पेशली यहाँ पर बुलाया है। कृष्ण रात्रि? शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि होती है तो कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण रात्रि क्यों नहीं। गर्ल्स, यू प्लीज अरेंज अकोमोडेशन फॉर देम। बाबा वो बात नहीं है बाबा। ब्रेक टाइम। ये कैसा बाबा है जो पैसों में बिकता है? क्या हुआ, ओवरनाइट में आकर बाबा को परेशान किया इसलिए शॉक हो गए क्या? अगर गलती पकड़ ली जाए तो बात पलट देते हो, इतिहास गवाह है। तुम्हारे रूटीन टॉर्चर में रुकावट ना आ जाए इसलिए छोटा सा सरप्राइज था। नागमणि को कृष्ण रात्रि के सेलिब्रेशन में हमने बुलवाया है, आते ही फेस्टिवल स्टार्ट। नागमणि है, तुम्हारी रखेल को यहाँ खींच लाया, इसका मतलब ये कोई मामूली लड़का नहीं है। मास्क लगा कर रखना और नजरें नीची। बाबा, हर आश्रम में ये भजन कीर्तन तो कॉमन बात है, वृंदावन बाबा के आश्रम में कृष्ण रात्रि का सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए? चक्कू की धार जैसा होना चाहिए। परंतु बाबा, ये आश्रम है या नौटंकी करने वाली कोई कंपनी, इसका टेस्ट तो जरा देखिए, नया इतिहास रचना है तो कहीं और जाने के लिए कहिए। पागल भक्त,
इस वृंदावन के होते हुए दूसरे आश्रम में कौन जाएगा? हर रोज यहाँ खुशियाँ बरसती हैं। आज के खास दिन हम रेगुलर से हटकर कुछ नया क्यों ना करें? सो यहाँ की सारी कन्याएं जरा कोऑपरेट कर दें, तो कागज फट जाएगा और स्टेज चमक उठेगा। अगर तुम सब रेडी हो तो ये वृंदावन भी रेडी है। छोटू की आत्मा की शांति के लिए सच्चे मन से पूजा करो। पिंडात प्रधान मुहूर्त मुहूर्त अस्तो नमोस्त्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे तमायां गमिष्यामि पिंडं ददाति सर्वदा। पिंडात प्रधान मुहूर्त कार्तिक अपने लवर वैष्णवी को लेकर मैसूर चला गया है। उसे तो मैं सुनो, हमारे छोटू को मौत की घाट उतारने वाले के दिन पूरे हो गए हैं। मैसूर चलने की तैयारी करो, अब वही उससे निपटेंगे। चलो सब लोग। कार्तिक, भतीजे, हमें छोटू के मौत के सेंटीमेंट्स में उलझाकर भागने के लिए उसने ये खेल रचा है, पर खेल कर कोई बच नहीं पाया, इतिहास गवाह है। लेकिन उससे पहले हमें इस केकड़े को मारना है। हो सकता है तेरी धमकी से पब्लिक डरे, ये धमकी मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं जिसे काटने की सोचता हूँ उसे काट कर फेंक देता हूँ। हाउसफुल का बोर्ड लगा कर आया हूँ। कैसा लगा रहे मेरा डाल? बहुत बढ़िया लगा सर। देख, मैं खुद तेरे सामने खड़ा हूँ, छुप कर रेस नहीं लड़ रहा हूँ। हिम्मत है तो सामना कर। ए, बात नहीं कर रहा क्यों? बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। अब सुन ले, इस सीन का डायरेक्शन मेरा है और टेंशन तेरी है, और एक्शन मेरे छोटे का है। वो देख पीछे।
चाचा, इन 13 दिनों में मैंने अपनी जिंदगी नरक की तरह बिताई है, अब शिकार सामने है। तेरे भाई की 13वीं करने के बाद तुझे जाकर गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, वो छोड़कर तू यहाँ पर डायलॉग क्यों दे रहा है? तेरे 10 लोग मिलकर मुझे 10 पंच मारेंगे तो उन 10 को मेरा सिर्फ एक ही पंच काफी है। अगर उनकी मौत कंफर्म नहीं हुई ना तो कसम ऊपर वाले की तुझे एक ही बार में दहशत का सीन दिखा दूंगा। शाबाश, मर्द है बे तू। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, जब सामना करने का सोचा ही है तो फिर लेट किस लिए, चला जा। हाँ करेक्ट, मेरे भाई को मौत के घाट उतारने वाले, अगर तुझे मैंने यही नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम हरी भाई है। मेरे भाई की जान लेने के बाद तुझे मेरे कहर से तेरे दोस्त बचा लेंगे? मेरे गुस्से से तो तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। ए, उसे लेकर आओ। लेकर आओ। अभी इसी वक्त तेरी लवर पर पेट्रोल डालकर जिंदा चला दूंगा, फिर इसे तड़पते हुए अपनी आंखों से देखना। ए, पेट्रोल लाओ। पहले इसे मरता देख, उसके बाद तेरी बारी। कार्तिक, तुम मार खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अरे कोई भतीजे को संभालो। कमिश्नर, ध्यान से सुनो, पुलिस वाले जब हथियार उठाते हैं तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, इतिहास गवाह है। और हीरो देखी ना इनकी हैवानियत, जैसा मैंने कहा था अगर वैसे करता तो तू कहीं आराम से जीवन जी रहा होता। अन्याय देखकर चुप मत रहना, आवाज उठाना, इंसाफ करना। ए कमिश्नर, अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर तू खुद को शेर खान समझ रहा होगा, ऐसा मेरा इतिहास कहता है। ये एरिया हमारा है और किसी में दम है तो मेरे सामने आकर दिखाओ, दिखाओ मुझे। इस शहर के लोगों को सही रास्ता दिखाकर तुमने इन लोगों को सर उठाकर जीने का एक नया तरीका सिखाया। तुम्हारे लवर ने जुर्म को खत्म करने में कानून का साथ दिया। आई एम वेरी प्राउड। तो आप लोग आ गए। एक अच्छी खबर देता हूँ कि हरी भाई का गैंग जड़ से उखड़ गया। हरी भाई की दहशत अब पूरी तरह खत्म। गो। आप लोगों ने देखा ना, क्राइम के रास्ते पे चलने वालों का यही हश्र होता है। आप क्या करोगे?
शादी कर लें? बहुत समझदारी की बात की है, पहले शादी की तैयारी तो करो। शादी से पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं।